बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साजदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 15 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफा नंबर 102 पर हमारा सबक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम दूसरों तक अपना पैगाम किन किन तरीकों से पहुंचाते हैं? जी, तो जवाब क्या है? सोशल मीडिया, SMS, फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए हम पैगाम रसानी का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? बहुत अहम सवाल है। मशीनों के इस्तेमाल से मालूमात का इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 103 पर हम शुरू करेंगे खास अल्फाज। खास अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ मेरे साथ दोहराना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं खास अल्फाज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एज, सनत, प्रोग्रामिंग, इस्तेदाद, तहकीक, इनकलाब, सम्राट। आइए शुरू करते हैं अपना सबक। मिस ताहिरा कंप्यूटर की उस्ताद हैं। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि अगले हफ्ते हम कंप्यूटर लैब में जाकर अपनी क्लास लेंगे। कंप्यूटर लैब स्कूल का वो कमरा होता है जहां पर कंप्यूटर रखे जाते हैं और कंप्यूटर सीखने वाले तुलबा वहां जाकर कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हैं। सब बच्चे पुरजोश थे। क्लास मंगल को होनी थी, ताहम मिस ताहिरा ने शम्मा, सायरा, अनाबिया के साथ मिलकर पीर ही को कंप्यूटर लैब में सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे। मंगल के दिन सब बच्चे बहुत पुरजोश थे, खुश थे, पुरअज़म थे। वो सुबह ही सुबह असम्बली से फारिग होकर कंप्यूटर लैब में पहुंच गए। मिस ताहिरा भी क्लास में वक्त पर आ गई। उन्होंने दाखिल होते ही सबको सलाम किया। सब बच्चों ने सलाम का जवाब दिया और अपने अपने कंप्यूटर डेस्क पर बैठ गए, जिस टेबल पर कंप्यूटर रखा हुआ था वहाँ पर। मिस ताहिरा कहने लगी, आप सब ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम सुन रखा होगा। आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन तो मालूमात को कहते हैं और टेक्नोलॉजी से मुराद है किसी किस्म की छोटी बड़ी मशीनों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ काम करना। मशीनों के इस्तेमाल से काम आसान, जल्द और साफ सुथरा होता है। सादिया मिस, इसका मतलब ये हुआ कि मशीनों के इस्तेमाल से मालूमात का इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। सफ़ा नंबर 104 पे शुरू करते हैं। मिस ताहिरा, आपने ठीक कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सनत है, एक इंडस्ट्री है जो मालूमात को जमा करने और जमा की हुई मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने से मुतल्लिक है। और ये मालूमात हम कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। मसलन मैंने आपको कोई पैगाम भेजना है तो मैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए वो पैगाम आप तक भेजूंगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों। जमाशुदा मालूमात को इस्तेमाल करके नए नतायज निकालना, नए नतायज मुरतब करना, मालूमात के ज़रिए से किसी मामले के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में फैसला करना, जो मालूमात आपके पास मौजूद हैं उनको देखते हुए इसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में फैसला करना और इस सारे अमल के दौरान मशीनों का इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। समीउल्ला, मशीनें ये काम कैसे करती हैं? मिस ताहिरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो आपके सामने हैं, जिन्हें आप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। माहिरीन इन कंप्यूटर के काम करने और इनसे काम लेने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस, हदायत दी जाती हैं। एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस, इन हदायत पर मुबनी एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और फिर सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ लोगों को देकर एक नेटवर्क बनाया जाता है। और इस तरह से माहिरीन प्रोग्रामिंग के बाद सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और फिर नेटवर्किंग करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर दरअसल उसूलों, जाबतों और कवानीन का एक प्रोग्राम होता है। कोई काम करने के लिए जो उसूल, जवाबत और कवानीन होते हैं उनका एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि कोई काम करने के लिए ये उसूल हैं, ये कवानीन हैं, इन पर अमल करना है। और उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। इसके बाद आप कंप्यूटर को जो हुक्म देते हैं वो इन कवानीन, उसूलों और जाब्तों की मदद से फौरन उस पर अमल करता है। मतलब कंप्यूटर में आप बता देते हैं कंप्यूटर को कि जमा करने के लिए कौन से उसूल हैं,
तो जब कभी आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए, जमा करने के लिए जो चीज़ें उसके अंदर ऐड करेंगे कि किस नंबर को किस नंबर में आपने जमा करना है, तो कंप्यूटर उन उसूलों को इस्तेमाल करते हुए जो आपने पहले से उसके अंदर फीड किए हुए हैं आपको उसका सही जवाब दे देगा। शाहिदा मिस, कंप्यूटर के मुतालिक भी थोड़ी तफसील बता दें। मिस ताहिरा, कंप्यूटर की इब्तदा कब हुई? अब मिस ताहिरा बताने जा रही हैं, कंप्यूटर की इब्तदा दूसरी आलमी जंग के खात्मे के साथ करीबन 1945 में हुई। उस वक्त के कंप्यूटर एक कमरे के साइज़ के होते थे जिसमें इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती थी जितनी आज के ज़माने के 700 कंप्यूटर खर्च करते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर बहुत बड़ा था। फिर मज़ीद तरक्की होती गई, कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता गया और इसकी अहलियत, इसकी काबिलियत और काम करने की इस्तेदाद में इजाफा होता गया। आपके सामने जो कंप्यूटर पड़ा है इसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसके तीन बड़े हिस्सों से तो आप वाकिफ ही हैं, उसके तीन बड़े हिस्से कौन कौन से होते हैं अब फयाज बताएंगे। जी मिस, इसमें सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड तीन बड़े हिस्से होते हैं और कीबोर्ड के साथ ही एक माउस भी अटैच किया हुआ होता है। शाहीन, लैपटॉप में तो माउस अलग से नहीं होता और सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड सारे एक साथ छोटे से डब्बे में आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस सबक को दोबारा से दोहराइएगा ताकि आपको पता चले कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, किस मकसद के लिए किया जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।